हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो के 3D टच के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा 3D टच, इसमें क्या होता है कि आप लोग का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नज़र आता है। और शायद आप लोग को नहीं पता होगा ये 3D टच आप लोग को सिर्फ जो है आईफोन में अवेलेबल मिलता है। बट हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं किस टाइप से आप लोग अपने ओप्पो के डिवाइस में 3D टच को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल के आइकन को दबाना ना भूले, एंड यार वीडियो पसंद है लाइक करना भूले और शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को जो है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सिर्फ आप लोग को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसके बाद इसे ओपन करना है और यहाँ पे क्या क्या सेटअप यहाँ पे फॉलो करना है, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो आप लोग को सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एक्टिवनेस, इस पर आप लोग को आना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा और आप लोग यहाँ पर सेटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर ढूंढना है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा और सेटिंग के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पूरी जितने भी सेटिंग्स रहते हैं आप लोग के फ़ोन की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आइएगा, जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा और यहाँ पे आप लोग को जो एक ऑप्शन को ढूंढना है। तो गाइस, आप लोग को यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है और आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है ओ टच। आप लोग को जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ओ टच का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस पर आप लोग को सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। अब आप लोग को क्या करना है, सिंपल तरीका, आप लोग को फर्स्ट वाला जो सेटिंग दिखता है लेबल, इस पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे जो इसे चेंज करके यहाँ पे 3D टच यहाँ पे कर देना। तो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से 3D टच कर देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे मैं इसे ओपन ओके कर देता हूँ। अब आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देने को बोलेगा तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आप लोग का क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है 3D टच का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देख रहे होगे 3D टच का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब आप लोग करना क्या पड़ेगा, आप लोगों ने जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है उसे आप लोग यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि फालतू में आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे कचरा भरा रहेगा। जो हमारा काम था यहाँ पे तो हो गया। अब आप लोगों को सिंपल तरीके से आप लोग को इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि आप लोगों ने 3D टच वाला ऑप्शन क्रिएट किया था, इस पर क्लिक करना है और आप लोग को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था कस्टमाइज द ऐप टू लॉन्च, ओके फ्रेंड्स, इस पर आप लोग अनेबल कर दीजिएगा और रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे भी आप लोग यहाँ पे अनेबल कर दीजिएगा। अब आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का फ़ोन जो यहाँ पे क्विकली टच स्मूथली यहाँ पे वर्क करेगा। आप लोग को यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो समझ में नहीं आएगा, बट आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करिएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग के यहाँ पे समझ आने लगेगा, जो कि आप लोग को मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में यहाँ पे नहीं समझा सकता। इस तरफ से आप लोग यहाँ पे जो है अपने ओप्पो के डिवाइस में आप लोग यहाँ पे जो है 3D टच का भी यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, जो कि मुझे बहुत सारी इस टॉपिक पे यहाँ पे कमेंट आ रही थी। और इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ आप लोग डाउनलोड करना है और एक ऑप्शन को क्रिएट करना है और सिंपल तरीके से आप लोग उस एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो वीडियो कमेंट करना बोले हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जय माता दी।